पे संभल के चंदोसी में चंदोसी ग्रीन कॉलोनी के निवासियों ने बिल्डर पर घटिया सामग्री से फ्लैट का निर्माण करने के आरोप लगाते हुए अपने अपने फ्लैट पर बेचने के बोर्ड लगाए। बिल्डरों पर हमेशा से धोखाधड़ी करके फ्लैट बेचने के आरोप लगते रहते हैं। बिल्डर फ्लैट बेचते समय कुछ और वादे करते हैं, लेकिन ग्राहकों को हकीकत तब पता चलती है जब वे वहाँ पर रहने के लिए पहुँचते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जनपद संभल के चंदोसी के बनियाठेठ थाना क्षेत्र की चंदोसी ग्रीन कॉलोनी से, जहाँ पर रहने वाले लोगों ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि उसने बेहद ही घटिया सामग्री से हमारे फ्लैटों का निर्माण कराया है, जिसके प्लास्टर को आप उंगली से ही छुटा सकते हैं। वहाँ पर रहने वाले विशाल चौहान ने बिल्डर से संजय बंसल पर आरोप लगाया कि उन्होंने बेहद ही घटिया सामग्री से फ्लैटों का निर्माण कराया है। इन फ्लैटों के प्लास्टर सिर्फ 2 सालों में ही इतने बेकार हो चुके हैं कि आप उसे उंगली से ही छुटा सकते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने जो सुविधाएं देने के वादे किए उनमें से कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि पानी के टैंक में भी 27 से 30 तक सड़े गले कबूतर निकले और थाने में शिकायत करने के बाद भी कोई जांच करने के लिए नहीं आया, जिससे आहत होकर हम सब ने अपने अपने फ्लैट पर बेचने के बोर्ड लगा दिए हैं। आपने आज ग्रीन चंदोसी में जो प्रदर्शन किया है, जो यहाँ पर सभी मकानों पर फोर सेल के जो टैग लगे हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, सभी चंदोसी ग्रीन्स वासी यहाँ जो बिल्डर हैं संजय बंसल, उनकी मनमानी से और उनके जो उन्होंने धोखा किया है यहाँ सबके साथ, उससे काफ़ी परेशान हैं और आहत हैं। इतनी घटिया सामग्री का निर्माण किया गया है तो किसी भी वक्त ये मकान कभी भी गिर सकता है, क्योंकि अभी हमने सब आपको दिखाया, ये स्थिति 2 साल के अंदर मकानों की है कि आप हाथ से उनका प्लास्टर छुटा सकते हैं, लेंटर छुटा, तमाम लोगों ने अपना, आप पीछे देख रहे होंगे, 2 लोगों को अपना रिपेयर कराना पड़ा, लगभग 10-10 लाख रुपये अब फिर दोबारा से लगाना पड़ रहा है। जब एक बार हम डेवलपमेंट का पैसा दे चुके हैं तो दोबारा क्यों? दूसरी बात, हमें जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए इतने बड़े एरिया में क्षेत्रफल के हिसाब से, उसमें भी बिल्डर ने धोखा किया। जो 20,000 वर्ग मीटर का एरिया है उसे बहुत 3 टुकड़ों में कराकर, ताकि क्षेत्रफल को कम दिखाया जा सके और जन आबादी कम दिखाकर सुविधाएं ना दी जा सके और राजस्व की चोरी की जा सके, इसलिए सरकारी कर्मचारियों से मिलकर और सरकारी अधिकारियों से मिलकर उसने ये सब हमारे साथ धोखाधड़ी की है। ना तो पानी निकासी की सुविधा है, ना कूड़ा घर की सुविधा है, ना कोई कॉमन फैसिलिटी है, बच्चों के खेलने के लिए कोई 1 इंच मैदान नहीं है, ट्रांसफार्मर पार्कों में रखे हुए हैं, जितने पेड़ होने चाहिए उतने पेड़ नहीं हैं, और तमाम पानी यहाँ बरसात में पानी भर जाता है। हमारे 15,000 रुपये लिए थे, जो कहा था कि हम सोसाइटी हैंडओवर करेंगे उस समय आपको फिक्स डिपॉजिट के रूप में वापस रहेंगे, लगभग 60 लाख रुपये वो रकम बैठती है, उसका गबन कर लिया गया, कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। 28-28, 30-30 सड़े गले कबूतर टंकी में निकलते हैं, उसकी शिकायत जब थाने में की जाती है तो जांच अधिकारी थाने में बैठकर ही रिपोर्ट आंखें लगा देते हैं, जबकि हमारे यहाँ एंट्री रजिस्टर है कि किसी कभी वो यहाँ आए नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं, और उन्होंने इसी तरह जांच आख्या उस पर भेज दी। तो बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है और पैसे के बल पर सभी नियमों को, सरकारी नियमों को ताक पर रखकर उसने काम किया है। यहाँ तमाम सरकारी भूमि उसके नीचे उसने दबाई हुई है, कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए हम सब लोगों ने आहत होकर ये फोर सेल का बोर्ड लगाया, क्योंकि इसको बेच देना ही ठीक है, परिवार की जान के खतरे से बेहतर है कि हम इसको बेच दें। आप लोगों ने यहाँ इसके मालिक से बात की, जिसने आपको ये सेल किया है? मालिक से बात की, पिछले 6 वर्षों में पहली बार वो सब लोगों ने, जब प्रशासन ने दबाव, हम लोगों ने कहा आया तो एक बार आया, लेकिन वादा करके कि हम 15 दिन में दोबारा आएंगे, वो नहीं आया, क्योंकि उसको पता है उसने गलत किया है, धोखा किया है, वो हमें फेस करना नहीं चाह रहा है। और जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मिली भगत करके सब उसका काम चल रहा है, तो वो हमारे पास क्यों आएगा? सुभाष पांडे, आप यहाँ ग्रीन में क्या हैं? मैं यहाँ पे साइट मैनेजर हूँ। अच्छा, यहाँ के लोगों ने आज प्रदर्शन किया है? जी जी जी। और कई बातें इन्होंने ऐसी बताई हैं जो गलत हैं? जी जी। जैसे कि यहाँ पर आपने 2015 में एनओसी दी, उसके बाद 2018 में कैसे निर्माण हो रहा है, जी, जैसे ये 3 ब्लॉकों में बनाया गया और उसको तीनों को एक कैसे कर दिया गया? जी, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। जी जी जी। क्या कहेंगे सर पानी की? जहाँ तक सवाल है कंस्ट्रक्शन का, ये तो बिल्डर बताएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में मुझे पता है, ये सारी चीज़ें बिल्डर से अगर आप क्वेश्चन करें तो सबसे बेहतर है। सर यहाँ पर बिल्डिंग बनाई हुई है, कभी भी भूचाल आ सकता है, कुछ भी गिर सकती है बिल्डिंग, उसके बारे में क्या कहना है आपको? बता रहा है यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, प्लास्टर वैसे यहाँ से छूट रहा है। ये जो ये आर्किटेक्ट हैं, जो बिल्डर हैं, वही बता पाएंगे इसके बारे में। सर आप किस पद पर हैं? मैं तो यहाँ पर मैनेज देखने के लिए हूँ। अच्छा, जो एनओसी 2015 में ली, सर ये मैं आपको बता दिया सब इसके बारे में,
बारे में सब जो कुछ भी है बिल्डर ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ का जो कूड़ा निकासी है वो कूड़ा निकासी के लिए आपने कौन सी स्थान यहाँ चिन्हित किया करा? सर यहाँ जहाँ गवर्नमेंट की जगह होती है वहाँ पे ले जा कूड़ा वाला ले जाता है या किसी खेतों में डाला जाता है? नहीं, खेतों में तो नहीं डाला जाता, खेतों में डाला हुआ देख लेना। जैसे सब कुछ बिल्डर बताएंगे तो आप किस लिए बैठे हुए? भाई मैं बिल्डर की तरफ से अपने काम के लिए बैठा हूँ। क्या काम करते हैं? मेरा यहाँ काम है कि भाई अपने जो माल हमारा आना जाना होता है उसको देखना है, लेबर हमारी लगी है उसको देखना होता है। यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो कौन देखेगा? आप नहीं देखेंगे? वो अब बिल्डर देखेंगे, बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, बिल्डर को मैसेज किया जाएगा, बिल्डर जो इन्फॉर्मेशन देता है। छोटी बातों के लिए बिल्डर यहाँ पे आएंगे, आपको जो सूचना करते हो बिल्डर के लिए? हाँ, बिल्डर को सूचना। तो अभी यहाँ जो परेशानियाँ लोगों को हो रही है, इतने इतने महंगे यहाँ पे लोगों ने मकान खरीदे हैं, जी सर, तो उनकी समस्या का समाधान क्या आप लोगों की तरफ से हो रहा है? भाई बिल्डर को आप ये ज्ञापन दीजिए, बिल्डर को भेज देते हैं। सर किसी के साथ कोई घटना घट जाती है उसकी जिम्मेदार कौन होगा? भाई अगर कोई ऐसी घटना करती है तो बिल्डर होगा। कोई परेशानी आने के बाद या बिल्डिंग ऊंचा लाने के बाद बिल्डिंग गिर जाती है उसकी तो ये चीज़ तो सर बिल्डर ही होगा ना सर। अच्छा, आपने ऑफिस में पंखा भी चल रहे हैं, क्या इसका कनेक्शन है बिजली कनेक्शन बिजली विभाग से लिया है आपने? नहीं, बिजली विभाग से नहीं लिया गया है सर, ये RW आप चोरी कर रहे हैं। जो हमारी सोसाइटी चल रही है सोसाइटी के ही यहाँ पे सोसाइटी का ऑफिस है, वो सोसाइटी का ऑफिस चल रहा है। आपका कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि हम बिजली चोरी कराते हो आप और बिजली चोरी खुद चला? नहीं सर, बिजली कोई चोरी नहीं कराते ना, कोई चोरी हो रही है। RW से ऑफिस बना हुआ है पूरे ब्लॉक में, अलग तरीके से आपका बिल्डिंग बना है तो उसके लिए कनेक्शन अलग होना। पूरी बिल्डिंग में एक ऑफिस है, वहाँ पर ऑफिस के हिसाब से जो RW अगर यहाँ पे सोसाइटी बिल्डर चला रहा है, बिल्डर काम चला रहा है, उसी हमारी समस्या है।